साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की आम खबरों पर। मराठा, मुस्लिम और ओबीसी रिजर्वेशन में रुकावटों के लिए फडणवीस हुकूमत जिम्मेदार। कांग्रेस के तर्जुमान संजय लाखे पाटिल ने कहा, हुकूमत तमाम तबकों के साथ करेगी इंसाफ। ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार ने बढ़ाई दरख्तों की हिफाजत की फिक्र। सरकारी महकमों के अलावा मुख्तलिफ इदारों और शहरियान ने भी मनाया आलमी यौमे माहौलियात। अब बिना टीका लगाए शहर में घूमने पर देना होगा जुर्माना। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उठाया एक और सख्त कदम। और चंदन चोरी की मखसूस वारदातों में मुलव्विस गिरोह का पर्दाफाश, 5 चोर हुए गिरफ्तार, 20 किलो चंदन जब्त। अब खबरें तफसील से। मराठा, मुस्लिम, ओबीसी रिजर्वेशन की मौजूदा सूरत हाल के लिए साबिका फडणवीस हुकूमत जिम्मेदार है। बीजेपी रिजर्वेशन तहरीक चलाकर अवाम को गुमराह कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस रियासत भर में सियासी तहरीक चलाएगी। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तर्जुमान संजय लाखे पाटिल ने कही। आणि मराठा समाजाने जी मागणी केली त्याच्याबरोबर काँग्रेस आहे। आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या बेंचचा निकाल 5 मेला आल्यानंतर राज्य सरकारनं न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची कमिटी नेमली होती। आणि आता काय केलं पाहिजे म्हणून विचारलं होतं। कालच न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या कमिटीनं राज्य सरकारला रिपोर्ट सादर केलाय आणि त्यांनी त्यामध्ये काही राज्य सरकारला सूचना दिल्यात, सल्ला दिल्यात, त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी कल्याणकारी योजनेसाठी राज्य सरकार काम करेल। ही सगळी वस्तुस्थिती स्पष्ट असताना कुठे केस लढली नाही, वकील हजर नव्हता, एक्झिबिट काही कागद दिले नाही, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण गेलं, त्यावेळेस विधी आणि न्यायमंत्री कोण होते, देवेंद्र फडणवीस होते। हायकोर्टामध्ये जर डॉक्युमेंटला एक्झिबिट पडलं आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, त्यातलं एकही डॉक्युमेंट तुम्ही गहाळ करू शकत नाही, ते न्यायालयाचं डॉक्युमेंट आहे। मग जर गाळ झाला असेल तर तुम्हीच गाळ केला असेल, आमचा संबंध काय त्याशी? आणि न्यायालय निकाल देतं आणि घटनापीठ आहे ते, त्यांनी सगळं बघून निकाल दिलाय, याची जबाबदारी स्वीकारायची ऐवजी खोटं बोल, घटनेचा चुकीचा अर्थ सांग, न्यायालयाचा चुकीचा अर्थ सांग, हे पाप देवेंद्र फडणवीस राज्यामध्ये करत आहे। आणि राजकीय त्यांचं प्रकरण चालू आहे, तर पहिल्यांदा आम्ही ठरवलंय याचा राजकीय विरोध करायचा। आणि जेही खोटा प्रचार ते करतायत हा जनतेला सांगायचा, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यामार्फत जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये हा विषय लोकांपर्यंत गेला पाहिजे। मराठा आरक्षणामध्ये आम्ही काही चूक केली नाही, ओबीसीचं राजकीय आरक्षण देवेंद्र फडणवीसमुळे गेलं आणि 50% वरचं जे मुस्लिम आरक्षण होतं ते मराठा आरक्षणाप्रमाणेच 50% वरचं गेलं, त्यामुळे वेगळी भूमिका कुठल्याही आरक्षणामध्ये आमची नाही। सगळ्या जाती धर्माला न्याय देण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। काँग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की सालगिरह के मौके पर आज अपाहिजों में राशन किट तकसीम किए गए। गांधी भवन में मुनक्कदा इस प्रोग्राम का एहतमाम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने किया था। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन शहर के नौजवानों पर मुश्तमिल एक तंजीम है। इस तंजीम ने कोरोना वबा के संगीन दौर में ज़रूरतमंद, गरीब, मेहनतकश तबके की मदद के लिए मुतअद्दिद इमदादी प्रोग्राम चलाए। इसी सिलसिले में आज नाना पटोले की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में अपाहिज अफराद में राशन किट तकसीम किए गए। किट की तकसीम कांग्रेस के ज़िला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, इब्राहिम पठान, लियाकत पठान, मोहसिन खान और मुजफ्फर खान वगैरह के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के फैसल कुरैशी, शहाब मिर्ज़ा, मोहम्मद कलीम, मीर इम्तियाज़, आमिर शेख और शेख अबरार वगैरह मौजूद थे। और हमारी तरफ से और नौजवानी औरंगाबाद, हंगरप्री औरंगाबाद और हेल्पिंग हैंड औरंगाबाद के जानिब से औरंगाबाद शहर में कई दिव्यांग और विकलांग लोगों को राशन किट मुहैया कराए गए। कोरोना वबा की मुमकिन तीसरी लहर में कमजोर बच्चों को दरपेश खतरे के पेश नजर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एजुकेशन सोसाइटी के जरिए अंसरा धर्मवीर संभाजी स्कूल में तलबा के लिए आइसोलेशन सेंटर शुरू किया गया है। ये बात आज मुंबई असेंबली हरिभाव बागड़े ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तिसरी लाट ही विद्यार्थ्यावर परिणाम करणारी आहे। अधिक विद्यार्थी बाधित होतील, लहान मुलं बाधित होतील, ते होऊ नये, परंतु झाले तर आपली काही व्यवस्था असावी। आणि शिक्षण संस्था म्हणून विद्यार्थ्यांची काळजी घेणं हे आमचंही कर्तव्य आहे। आणि या कर्तव्याच्या भावनेतून आम्ही इथं विद्यार्थ्यांसाठी कोविड विलगीकरण केंद्र सुरू करत आहोत। आता विद्यार्थी शाळेत सहजपणे येतो, इथं राहतो, तसाच तो घरी जर त्याला कोरोना पॉझिटिव्ह आला तर इकडे छोटे छोटे घर आहे, लहान घर आहे, आणि त्यामुळे तिथं विलगीकरण करणाऱ्या पालकालाही अडचण पडेल। म्हणून ती विलगीकरणाची व्यवस्था आम्ही धर्मवीर संभाजीमध्ये ही केलेली आहे। आणि जसे विद्यार्थी वाढतील तसं 50 खाटापर्यंत आम्ही हे करू। आता आम्ही तातडीचं म्हणून एक 12 कॉटची व्यवस्था केलेली आहे। त्याला जे काही विद्यार्थ्याचं नाश्ता जेवण हेही आम्ही करू। त्याला जे औषधं लागणार आहे तेही डॉक्टरच्या सल्ल्याने आम्ही या ठिकाणी उपलब्ध करून देऊ। त्याच्यासाठी कुठल्या प्रकारचा कुठल्या पालकाकडून एक पैसाही आम्ही घेणार नाही। ही सगळी व्यवस्था आम्ही मोफत करू, त्याने त्याचा लाभ घेतला पाहिजे। म्हणजे विद्यार्थ्या पॉझिटिव्ह असला तर तो अनेक पोरामध्ये खेळत असतो, घरातही वावरत असतो, की त्याच्यापासून इतराला काही त्रास होऊ नये किंवा इतराला बाधित होऊ नये म्हणून विलगीकरणाची ही व्यवस्था केलेली आहे। कुदरतने हमें जीने के लिए जरूरी तमाम वसाइल मुफ्त में दिए, लेकिन हम उसकी कदर उस वक्त करते हैं जब कुदरती वसाइल को खुद अपने हाथों तबाह करके मुसीबत मोल लेते। ऑक्सीजन और माहौलियात के मामले में आज यही नजर आया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर आज शहर के तमाम सरकारी महकमे, आला सरकारी अफसरान, तालीमी इदारे और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सरगर्म इदारे वो शहरियान शजरकारी करते नजर आए। जो चीज बआसानी मैसर हो जाए इसकी कदर नहीं होती, यही कुछ कुदरत की मैसर करदा वसाइल के साथ होता है। वक्त पड़ने पर मामूली सी चीज हासिल करने के लिए इंसान अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है। ऑक्सीजन, माहौलियात और बेश कीमती कुदरती वसाइल के मामले में ऐसा ही कुछ नजर आता है। 2 महीने पहले तक किसी ने ऑक्सीजन और दरख्तों के तहफ्फुज की इस कदर फिक्र नहीं की थी जितनी आजकल की जा रही है। ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हुकूमतें और इदारे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्लांट लगवा रही हैं ताकि कोरोना के मरीजों की जान बचाई जा सके। जिन कुदरती वसाइल से हमें बआसानी ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है इसके तहफ्फुज की फिक्र अब सरकारी मशीनरी में ही नहीं बल्कि शहरियान में भी नजर आ रही है। आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पौधों की नर्सरियों में भी शहरियान के हुजूम नजर आए। इधर शहर के तमाम सरकारी महकुमों में तमाम सरकारी आला अफसरान भी शजरकारी करते नजर आए। अलग सुबह जिला कलेक्टर ने गोगा बाबा टेकड़ी पर शजरकारी करके ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दरख्त लगाने का पैगाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा इनकी अहलिया कंचन चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, सीईओ मंगेश गुंदावले और कर्नल पी वेंकटेश मौजूद थे। आज अपन सगळ्यांनी म्हणून पृथ्वीचं रक्षण करायचं ठरलं होतं, तुम्ही बघा एवढे हात लागले तर नक्कीच हे कुठलाही गोर्धन सारखा पर्वत उचलू शकतात। आणि सीपी सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे एक दिवसापुरतं राहू नये तर हा आपल्या जीवनाचा भाग व्हावा। कुठलीही गोष्ट, छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांनी खूप चांगली उदाहरणं दिली की घरातली वीज वेळेवर बंद करण्यापासून तर गाडीच्या PUC पर्यंत, नंतर गाडी काही छोट्या अंतरासाठी गाडी वापरू नका, पायी जायचा प्रयत्न करा, सायकलिंग करा। ह्याच्यामुळं झाडं लावण्यासोबतच आपण जर मोटराईज ट्रान्सपोर्ट म्हणजे वाहनाचा वापर जर कमी केला त्याच्यामुळं इंधनाचा वापर कमी होईल, इंधनाचा वापर कमी झाला वातावरणात जे कार्बन जो सुटतो आहे त्याच्यामुळं ते कमी होईल आणि आपल्या पृथ्वीचं रक्षण होईल। मित्रांनो, तुम्ही बघा COVID-19 सारखा आजार हा सगळा श्वसनाचा आजार आहे, सगळा लंग्सचा आजार आहे, आणि त्याला जर कुठंतरी त्याच्यापासून मात करायची असेल तर फक्त रेमडेसिवीर आणि इंजेक्शन डॉक्टर चालणार नाही, तर हे अशा सारखे उपक्रम
जे नैसर्गिक उपक्रम हे जर आपण केले तर मला वाटतं आपण अधिक बलशालीपणे औरंगाबादला उभं करू शकतो, त्याच्यामधून राज्य उभं राहील, देश उभा राहील. पुन्हा एकदा आपण सर्वजण इथं आले, आबाल वृद्ध मुलं सगळ्यांचा मी आभारी. आणि आता झाडं लावून चालणार नाही, फक्त त्याला वाचवलं पण पाहिजे, जगवलं पाहिजे, नाही तर लावलं आणि विसरलो असं व्हायला नाही पाहिजे. कुठंतरी वाटलं पाहिजे गोबाबा टेकडीवर माझं कुणीतरी वाट बघतंय, एक झाड लावलं ती माझी वाट बघते, कधीतरी त्याला बघितलं पाहिजे. मित्रांनो, हीच देन किंवा हीच धरोहर आपण पुढच्या पिढीला देणार आहोत. डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की हिदायत पर आज से हर आदमी तीन दरख्त मुहिम की शुरुआत सिल्लोड़ ताल्लुके के वडाली देहात से शुरू हुई. यहाँ के जंगल में मुनाकदा प्रोग्राम में सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम सिंह राजपूत, BDO अशोक दांडगे, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर सुंदर मांगदरे वगैरह के हाथों शजरकारी की गई. आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कारपोरेशन की जानिब से खाम नदी के अतराफ 2000 दरख्त लगाए गए. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे ने उम्मीद जताई कि इन दरख्तों से शहरियान को साफ सुथरी और ताज़ा हवा मिलेगी. प्रोग्राम में घन कचरा प्रोजेक्ट इंचार्ज नंद किशोर भोंबे, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, अतुल दौड़, सिद्धार्थ गार्डन के सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, BY फंड KM फालक, रामनाथ थोरे, इको सत्वा की नताशा जरीन, सीनियर सेनेटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, गार्डन इंजीनियर तौखीर अहमद वगैरह मौजूद थे. माहौलियात की हिफाजत की गर्ज से महावितरण ने भी कागजी बिल के बजाय ऑनलाइन बिल तकसीम करने के लिए गो ग्रीन स्कीम शुरू की. महावितरण ने शहरियान को तरगीब दिलाई कि माहौलियात के तहफ्फुज के लिए शहरियान कागजी बिल लेने के बजाय ऑनलाइन बिल हासिल करें. इस स्कीम को शहरियान का भी काफ़ी तआवुन मिल रहा है. महावितरण के मुताबिक 125,000 शहरियान इस स्कीम से जुड़ चुके हैं. कागजी बिल के बजाय ऑनलाइन बिल इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को महावितरण की जानिब से बिल में 10 रुपये की छूट दी जाती है. आलमी यौम माहौलियात के मौके पर शहरियान में भी दरख्तों की हिफाजत के ताल्लुक से फिक्र नजर आई. यूनिवर्सिटी के मराठी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रमेश जाधव ने आज अपनी सालगिरह का जश्न अतिया खून कैम्प दरख्तों के अतिये और तलबा में किताबों और तालीमी अशिया की तकसीम करके मनाया. प्यूपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जेरे इंसराम डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज में आज शजरकारी की गई. इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद हेराड़े, प्रोफेसर प्रफुल तेलगुटे, एडवोकेट प्रतिभा चौतमूल, गौतम धीवर, भगवान ढगे, प्रदीप सालवे, शिवनाथ पवार, जगदेव जमधड़े और केतन कुलथे वगैरह मौजूद थे. गजानन महाराज मंदिर रोड पर वाके नर्सरी में आज शहरियान की काफी भीड़ नजर आई. हमने यहाँ एक पौधा खरीद रहे शहरी विजेंद्र काड़े से बात की. इसने कहा कि आलमी यौम माहौलियात के पेश नज़र उसने पौधे खरीदे हैं ताकि हम कुदरती वसाइल और दरख्तों की हिफाजत कर सकें. उन्होंने कहा, हम सबको अपने कीमती कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इससे फायदा पहुँचे. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अपन सर्वानी मिळून साधारण एक एक झाड तरी लावावं त्या दृष्टीने आम्ही इकडे काही रोपं खरेदी करण्यासाठी आलेलो आहे. आणि आता या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये जसं आपल्याला ऑक्सिजनची इतकी गरज पडली, त्यासाठी आपला पूर्ण देश परेशान झाला, तर आता आपण सर्वांनी जर एक एक झाड लावलं तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांना आपल्या घराजवळ आणि आपण लावलेल्या जागेच्या तिथे ऑक्सिजन मिळू शकेल. ठीक है, अंदाजी के तय शहरियान की अदम दिलचस्पी से फिक्रमंद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक और सख्त कदम उठाया, जिसके तहत अब बिना टीका लिए घर से बाहर घूमने वाले 45 साल से जायद उम्र वाले शहरियान से जुर्माना वसूल किया जाएगा. कोरोना वबा को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया. बिना मास्क के घूमने वाले शहरियान से जुर्माना वसूली भी शुरू कर दी गई. कारपोरेशन की इस कार्रवाई से लोग अब कोरोना से हिफाजत के लिए ना सही लेकिन 500 रुपये जुर्माना भरने के खौफ से मास्क की पाबंदी करते नजर आ रहे हैं. अपने इसी फार्मूले को आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल किया. कोरोना से हिफाजत के लिए ईजाद करदा टीके लगाना भी हर शहरी के लिए लाजमी है. इन दिनों 45 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरियान को टीके लगाए जा रहे हैं. ब्रेक द चैन की पाबंदियों में वायरस के खौफ से सैकड़ों अफराद
टीका सेंटरों पर पहुंच रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वायरस के खौफ से नहीं बल्कि घर की कैद से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे थे। जबकि इस वक्त टीकों की किल्लत भी थी, लेकिन अब टीके वाफर मकदार में मौजूद हैं, लेकिन शहरियान शहर के बाजारों और रस्तों पर घूम रहे हैं और टीका सेंटर सनसान पड़े हैं। टीका अंदाजी की मुहिम सुस्त हो चुकी है। इस सूरत हाल से फिक्रमंद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान को टीका सेंटरों तक पहुंचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरियान अब टीका लगाए बगैर सड़कों पर नजर आएंगे तो इनसे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये काम कारपोरेशन के फ्रेंड्स स्क्वाड को सौंपा गया है। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएल उर्दू न्यूज। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फोन कॉल करने की भी जरूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन एक पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। पैसों की लेन देन पर अपने हमजुब को साथी की मदद से कत्ल करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात जुमा की रात शाहगंज सब्जी मंडी में पेश आई। पुलिस वारदात के अहम मुलजिम को तलाश कर रही है। मकतूल का नाम जमीर खान शब्बीर खान साकिन किराड़पुरा बताया जाता है, जो चोरी और दीगर मुजरमाना वारदातों में हिस्ट्री शीटर था। पैसों के लेन देन पर जमीर का इसके हमजुल्फ शोएब खान से तनाजा जारी था। जुमे की रात 9:30 बजे जमीर शाहगंज सब्जी मंडी में चंद्रसागर जैन धर्मशाला के सामने खड़ा था। इसी वक्त इसका हमजुल्फ शोएब खान अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। इन दोनों में पैसे के लेन देन पर बहस हुई। इस दरमियान इसके साथी ने चाकू से जमीर के सीने, पेट और जानू पर वार कर दिए। ये वार इंतहाई मुहल्लक साबित हुए और जमीर ने वहीं दम तोड़ दिया। शोएब खान अपने साथी समेत वहां से फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने जमीर को एक रिक्शा में डालकर घाटी अस्पताल पहुंचाया। इस संगीन वारदात की इत्तला मिलने पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ, इंस्पेक्टर संभाजी पवार,
क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर अजब सिंह जारवाल जाए वारदात पहुंचे। सिटी चौक पुलिस थाने में कत्ल का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने देर रात मकतूल के हमजुल्फ शोएब खान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता 2 साल से सरकारी इमारतों समेत 16 मकामात पर चंदन चोरी की मखसूस वारदातें अंजाम देने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गिरोह के 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 20 किलो चंदन बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक इत्तला पर सांगी बाईपास के नारेगांव चौक पर एक कार्रवाई में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। तलाशी में इनके पास से 21 किलो चंदन बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने एतराफ किया कि गुज़िश्ता 2 सालों में इस गिरोह ने सूबेदारी गेस्ट हाउस, जिला कलेक्टर की रिहायशगाह के अलावा मुतअद्दिद मकामात पर चंदन चोरी की 16 वारदातें अंजाम दी थी। ये वही गिरोह है जिसने पुष्प नगरी में डॉक्टर विवेक घारापुरे के मकान में चंदन चोरी की थी और डॉक्टर ने खुद इस वारदात की वीडियो बनाई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पकड़े गए लोगों के नाम गौस खान, महमूद खान, अनीस खान, अयूब खान, नवाब खान, अली खान और सलीम खान मोहम्मद खान बताए जाते हैं। ये तमाम फुलमरी के फाजिलवाड़ी के साकिन हैं। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर देशमुख, नंद कुमार भंडारे, किरण गावंडे, संजय सिंह राजपूत, लेडीज कांस्टेबल मोहिनी चिंचोड़कर वगैरह ने अंजाम दी। मराठा समाज को सियासी, तालीमी और सरकारी नौकरी में सहूलत देने के लिए छावा की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अर्जदाश्त दाखिल की गई। ये बात आज छावा के लीडर किशोर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के जिम्मन में अवामी बेदारी के लिए छावा जिला और तालुका सतह पर तहरीक चलाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण नाकारलं नसतं तर आता जो मराठवाड्याचा विषय समोर आलाच नसता। पण आज मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असताना, हक्काचं आरक्षण मिळत असताना ते राज्य शासनाने आपल्याला दिलं नाही, त्या संदर्भात आपण मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, मी स्वतः याचिका टाकलेली आहे। त्या याचिकेत प्रामुख्याने आपण 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या सांगितलेल्या आहे। हैदराबाद स्टेटमध्ये असताना मराठा समाज ओबीसी समावेश होता, आंध्र प्रदेशमध्ये असताना मराठा समाज ओबीसी समावेश होता आणि संयुक्त महाराष्ट्र 1 मे 1960 झाला असताना ह्या महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडा जो पहिले आंध्र प्रदेशमध्ये होता तो महाराष्ट्रात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी समावेश केलेला नाही। हा अन्याय मराठवाड्यातील मराठा 60 वर्षापासून भोगत आहे। आम्ही न्यायालयात हीच प्रामुख्याने मागणी केली की मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी समावेश करून शिक्षण आणि नोकरीचा बॅकलॉग भरावा, यासाठी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील आरक्षणाचा हा एकमेव मार्ग मराठा समाजाकडे आहे। त्या मार्गावर आपण चालत असून पुढच्या महिन्यातच न्यायालयात ह्या विषयावर मांडणी सुरुवात होणार आहे। मी मराठा समाजाला आव्हान करू इच्छितो की आपल्याला यात काही योगदान द्यायचं असेल समाज बांधवांना तर सर्वोच्च न्यायालयात विधितज्ञ सिनियर काउन्सिल हे आपल्याला मुंबई आणि दिल्लीहून बोलवायला लागणार आहेत। त्यासाठी समाजाने पुढाकार घ्यावा करिता आम्ही आजपासून मराठवाडा जनजागृती अभियान राबवत आहोत। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की सालगिरह के मौके पर आज किसान कांग्रेस खेत मजदूर की जानिब से दौलताबाद और मिटमिटा के जरूरतमंद काश्तकारों में बीज और खाद के पैकेट तकसीम किए गए। किसान खेत मजदूर कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अनीस पटेल ने आज इस प्रोग्राम का अहतमाम किया था, जिसमें दौलताबाद और मिटमिटा के जरूरतमंद काश्तकारों में बीज और खाद के पैकेट की तकसीम अमल में आई। प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोइन इनामदार, संजय जाधव, मिनहाज पटेल, शाहरुख खान और आसिफ पठान वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। मराठा, मुस्लिम और ओबीसी रिजर्वेशन में रुकावटों के लिए फडणवीस हुकूमत जिम्मेदार। कांग्रेस के तर्जुमान संजय लाखे पाटिल ने कहा, हुकूमत तमाम तबकों के साथ करेगी इंसाफ। ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार ने बढ़ाई दरख्तों की हिफाजत की फिक्र। सरकारी महकमों के अलावा मुख्तलिफ इदारों और शहरियान ने भी मनाया
आलमी योमी माहौलिया। अब बिना टीका लगाए शहर में घूमने पर देना होगा जुर्माना। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उठाया एक और सख्त कदम। और चंदन चोरी की मखसूस वारदातों में मुलव्विस गिरोह का पर्दाफाश, 5 चोर हुए गिरफ्तार, 20 किलो चंदन जब्त। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज़।